कहाँ से आए हो बाबू? जी मैं जयपुर के पास से भादरकला से आई हूँ। भादरकला से? हाँ जी। मैं क्या मैं दो बार आ चुकी हूँ माता। अच्छा दूसरी बार आई हो? नहीं तीसरी बार आई, मेरा नंबर नहीं आया था। अच्छा नंबर ही नहीं आया। मेरी माँ भद्रकाली ने मेरे सपने में संकट काटे, मेरे को स्वयं दिखाए, दर्शन कराए क्या क्या संकट थे और कैसे कैसे कटे, मेरे ऊपर जो भी संकट थे मेरे माँ ने मेरे को काट के दिखाए। ये देख लो भाई, कहते ना बारी नहीं आती, और जो एक बार दरबार जुड़ गया ना माँ खुद जाके सामने में संकट काटती है, और ये जिंदा जाकर सबूत है और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। और सकरात के 3-4 दिन पहले में दोबारा संकट भेजा उसने, और माता जी ने फिर उस संकट को दो बार, एक तो बाहर खड़ा होकर एक अंदर से घूम कर चल गया। माता जी, मेरी माता जी क्या है, बोले बेटा तू चुप रह, ये अपने आप घूम के मेरे घर में वापिस चला गया। तो मैं कहती हूँ सारी संगत से कि ये ना देखे कि मेरा नंबर आया ये नहीं आया, अगर सच्चे दिल से श्रद्धा से मिले हो माँ के दरबार से तो आपका संकट घर बैठे। हर भगत के फेरी है माँ की, हर भगत के माँ सबके लिए एक है, ये ना सोचे कि इस दरबार में किसी से दुभात होती है। मैं ना ना तभी बैठी हूँ, पीछे से यहाँ आई हूँ, दो बात होती तो मैं ऊपर चली जाती। दरबार की भद्रकाली मैया की, बहुत साचे दरबार की। पटापट पड़ गए।